मुगल पुलिस ने पश्चिम में उत्तर प्रदेश के बड़े गो तस्करों में शामिल दो तस्करों के खिलाफ बड़ी और सख्त कार्यवाही की है। सदर कोतवाली पुलिस ने कोतवाली इलाके के निवासी पशु तस्कर शमशाद और शरीफ को जिलाधिकारी संजीव रंजन के आदेश पर कार्यवाही करते हुए 25 करोड़ रुपए की कीमत की संपत्ति जब्त की है। सीओ अरुण कुमार सिंह और सदर कोतवाली प्रभारी पंकज लवानिया भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी करते हुए तख्त गोसाई में पहुंचे, जहां पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 25 करोड़ रुपए की कीमत की 165 हेक्टेयर जमीन जब्त की है। सदर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुनादी करने के साथ ही जब्त संपत्ति पर संपत्ति जब्त होने का सूचना बोर्ड भी पुलिस की तरफ से लगा दिया है, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी खरीदार जब्त संपत्ति के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। सदर कोतवाली पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही को लेकर SP चक्रेश मिश्रा ने बताया कि संभल में जिला अधिकारी संजीव रंजन के आदेश पर पशु तस्करों की 165 हेक्टेयर जमीन को जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 1,25,00,000 रुपए है। इसके साथ ही इस जमीन पर बने हुए अवैध निर्माण को भी पुलिस के द्वारा बुलडोजर चलवाकर गिरवाया जाएगा। जनपद संभल की पुलिस के द्वारा आज माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर अभियोग में जेल गए शरीफ पहलवान व शमशाद, इनकी एक बड़ी भूमि को जिलाधिकारी महोदय के आदेश से सीज किया गया और कुर्क किया गया। इसमें इनकी जो भूमि है इसकी बाजार में कीमत 1,25,00,000 रुपए है। साथ में इसकी जानकारी है कि ये लगभग 165 हेक्टेयर भूमि इनके द्वारा अवैध रूप से कमाई गई थी, इसको आज कुर्क कर लिया गया है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें बने हुए अवैध निर्माण को बुलडोजर की मदद से ढहाया जा रहा है। धन्यवाद।